नमस्कार दोस्तों, मैं हाजिर हूँ आपके सामने एक और नए वीडियो के साथ। तो आज हम जा रहे हैं सालेश्वर महादेव मंदिर, श्रावण का सोमवार इसलिए। और ये मंदिर गांव से तकरीबन 60 से 70 किलोमीटर की दूरी पर है। तो हम लोग, मैं और मेरा दूसरा भाई, छोटा भाई है साथ में, तो वो दोनों बाइक लेकर जा रहे हैं। हम लोग भी वहाँ पर पहली बार जा रहे हैं। मंदिर के बारे में काफ़ी सुना है, बहुत ही अच्छी लोकेशन है और पहाड़ी में बचा हुआ मंदिर है, पहाड़ी के ऊपर आया हुआ। तो हम दोनों वहाँ पर पहली बार जा रहे हैं, तो बाकी का डिटेल वहाँ पर जाने के बाद ही आपको दे पाऊँगा, क्योंकि मैं गया हुआ नहीं हूँ अभी तक। तो वहाँ पर जाने के बाद दोस्तों आपको एकदम अच्छे से वहाँ की लोकेशन और अच्छे से शिव जी के दर्शन और पहाड़ी दिखाता हूँ। तो बने रहे हमारे चैनल पर। दोस्तों, सामने जो आपको बड़ी पहाड़ी नज़र आ रही है, वहीं पर शिव जी का सुंदर मंदिर बना हुआ है। तो हम लोग आधे से ज़्यादा रास्ता तय करने के बाद लगभग हम लोग शिव जी के मंदिर के करीब पहुंच चुके हैं। हम लोगों ने मंदिर के बारे में बहुत सुन रखा है, तो हम लोगों ने सोचा आज लाइव अपनी आंखों से देख के आते हैं और अपने दर्शकों को भी बताते हैं। तो पहाड़ी दूर से इतनी सुंदर और अदृश्य दिखाई दे रही है, तो दोस्तों सोचिए वहाँ पर जाने के बाद कितना मज़ा और कितना आनंद आने वाला है। तो आप आनंद लीजिएगा वीडियो का। तो दोस्तों ये देख सकते हैं आप, मंदिर के लिए बहुत ही भीड़ लगी हुई है दर्शन करने के लिए, क्योंकि आज श्रावण का सोमवार है तो गर्दी होती है। हम लोग भी पहुंच चुके हैं। तो दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं सालेश्वर महादेव मंदिर। तो यहाँ पर भक्तों का बहुत ही आना जाना लगा हुआ है और बहुत ही गर्दी है। तो चलिए आपको मैं शिव जी के सर्वप्रथम दर्शन करवाता हूँ और यहाँ की प्रॉपर लोकेशन दिखाता हूँ। एकदम पहाड़ी के बीचों बीच में बचा हुआ शिव जी का मंदिर है, बहुत ही सुंदर मंदिर है बाहर से भी दिखने में। तो चलिए दोस्तों, मैं ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर मेले की तरह स्टॉल वगैरह भी लगी हुई है। तो प्रसाद ले रहे शिव शंकर भगवान के लिए, और यहाँ पर स्टॉल भी लगा हुआ है, आइसक्रीम वगैरह, शू, चप्पल, प्लास्टिक आइटम, क्लॉथ वगैरह। तो बहुत ही अच्छा दृश्य है दोस्तों, पब्लिक का आना जाना भी है, टॉयज वगैरह। और सामने है पहाड़ी जिसके ऊपर भी चढ़ना भी बाकी है। दोस्तों पर प्रसन्न का शॉप है और सामने टॉयज वगैरह, केला की शॉप भी है। तो ये सब तो बाद में खरीदेंगे, खाएंगे, पिएंगे, पहले शिव जी के दर्शन कर लेते हैं। तो भी सामने शिव जी का मेन प्रवेश द्वार आ चुका है दोस्तों, जिसके अंदर हम लोग अभी एंट्री करने वाले हैं। तो दोस्तों अभी हम लोग प्रवेश द्वार में अभी अंदर एंट्री कर रहे हैं और आगे का सीन आपको दिखाने वाला हूँ। तो प्रवेश द्वार तो बहुत ही सुंदर बना हुआ है और ये सामने भी पहाड़ी है जिसके ऊपर शायद हमें चढ़ान करनी होगी। तो आगे तो दोस्तों हम लोग अभी मंदिर में पहुँच चुके हैं और यहाँ पर भी एक पानी का प्याऊ है। तो अभी मंदिर आ चुका है दोस्तों, पहाड़ी के ऊपर तो नहीं बट पहाड़ी के नीचे ही है। मुझे लगा था पहाड़ी के ऊपर होगा बट पहाड़ी के नीचे ही है। सभी सामने आपको दिख रहा होगा मंदिर, बहुत ही सुंदर, बहुत ही खूबसूरत मंदिर है दोस्तों। और हाइट भी बहुत ही ज़्यादा हाइट है, जस्ट मंदिर के पीछे पहाड़ी है। चलिए दोस्तों, मंदिर के अंदर जाने के लिए हमें चीड़िया से होकर गुजरना पड़ेगा।
सीढ़ियाँ बनी हुई है मंदिर में जाने के लिए। अभी मैं आपको शिव जी की प्रतिमा दिखाने वाला हूँ, तो बने रहे वीडियो में। लाइन भी लगा हुआ है, यह मंदिर है से गुफा टाइप में बना हुआ है पहाड़ी से। प्रसाद वगैरह पंडित जी बैठे हुए हैं, प्रसाद ले रहे हैं। और ये सामने शिव जी की प्रतिमा नज़र आ रही होगी दोस्तों, श्री शिव शंकर राम की जय हो। ये देखिए दोस्तों, और मंदिर में वो मक्खी के छत्ते भी है वो बड़े बड़े दोस्तों। ये देखो दो तीन तीन चार से भी ज़्यादा छत्ते हैं मंदिर में, मक्खी के मधुमक्खी के छत्ते हैं बड़े बड़े। तो चलिए दोस्तों, मैं बोल रहा हूँ आगे का नज़ारा दिखाते हैं कैसा है। तो अभी मंदिर से बाहर जा रहे हैं हम लोग। और ये सामने हनुमान जी का मंदिर भी है दोस्तों, छोटा सा मंदिर, तो वहाँ पर ही जा रहे हैं हम लोग, दर्शन करवाता हूँ। और ये हनुमान जी का मंदिर है, बहुत ही प्यारी प्रतिमा है दोस्तों, देख सकते हैं आप। और ये प्रतिमा के बाजू में पहाड़ी है, और बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है दोस्तों देखने लायक। अरे पास में ये नाडी बनी हुई है जो पहाड़ी का पानी आता है, देख सकते हैं दोस्तों। बहुत ही सुंदर और खूबसूरत नज़ारा है, जो हम लोग अनुभव कर सकते हैं वो आपको लफ्जों में नहीं बता सकते रियली में। और वास्तव में आपको इमेजिन करके देखो कि पहाड़ी से चारों ओर पहाड़ी से घिरा हुआ मंदिर कितना खूबसूरत और कितना सुंदर दिखाई देगा हमें। ये देखिए दोस्तों, मंदिर से हम लोग अभी बाहर आ चुके हैं, और अभी हम लोग एक दूसरी जगह है रास्ता जा रहा है, वापस जा रहा है, जा रहे हैं वहाँ पर। क्या है वो तो नहीं पता, आपको वहाँ पर जाने के बाद दिखाता हूँ। आगे का वीडियो कंटिन्यू करता हूँ दोस्तों, देख सकते हैं दोस्तों पहाड़ी के बीचों बीच से एक रास्ता गुजर रहा है, पता नहीं कहाँ पे जा रहा है, पर हम लोग भी इसी रास्ते पर चल पड़े हैं और जा रहे हैं। और ये देखिए दोस्तों, यहाँ से मंदिर आपको प्रॉपर नज़र आ रहा होगा, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अच्छा मंदिर है। इसकी डिजाइन और शिल्पकार बहुत ही खूबसूरत बनाई हुई है, और पहाड़ी के बीचों बीच में ये मंदिर आया हुआ है। तो अभी हम लोग आगे की ओर बढ़ रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है दोस्तों। ये परशुराम जी महादेव का जन्म स्थल है, लोगों का यहाँ के लोगों का मानना है। तो दोस्तों आगे की जर्नी हम लोग कंटिन्यू रखते हैं, चलते आगे बढ़ते हैं अभी। तो दोस्तों ये रास्ता यहाँ पर आकर ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ पर आगे कुछ मंदिर वगैरह तो नहीं है, बट बहुत ही खूबसूरत पहाड़ी और बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है दोस्तों। बच्चों के लिए झूले भी लगे हुए हैं, जो सामने झूल रहे हैं देख सकते हैं। है तो अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, नीचे जाके थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, थोड़े से पहाड़ी पर खड़े हैं, ज़्यादा ऊपर तो नहीं है, थोड़ी सी चढ़ान पर खड़े हैं, नीचे जाके हम लोग रेस्ट करने वाले। तो अभी फ़िलहाल तो हम लोग जा रहे हैं नीचे। ये देखिए दोस्तों, हम लोग नीचे की ओर बढ़ रहे हैं, वापस वही गार्डन, गार्डन तो नहीं है, झूले वगैरह है, वहाँ पर ही पहुँच चुके हैं। वापस शिव जी के मंदिर की ओर बढ़ रहे हैं, और यहाँ पर बच्चे झूल रहे हैं,
यहाँ पर कुछ अच्छी सी जगह देखकर हम लोग बैठ जाएंगे। तो ये वापस हम लोग शिव जी के मंदिर पर पहुँच चुके हैं दोस्तों, और यहाँ पर भी वो आपको खाड़ी दी गई थी, तो इसी टाइप की खाड़ी है। ये सामने वही मंदिर जहाँ पर हम लोग दर्शन करके आ चुके हैं। तो भी और चिड़ी है तो नीचे उतर रहे हैं, और ये पहाड़ी पे कुछ उगा हुआ है दोस्तों, जूम करके दिखाता हूँ। क्या है वो तो नहीं पता, आपको पता हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं, मुझे नहीं आइडिया ये क्या चीज़ है। और अभी तो हम लोग नीचे पहुँचने बाकी है, तो अभी हम लोग नीचे आ चुके हैं। ये वही नाडी है, सामने वही शिव जी का मंदिर जो आपको दिखा दिया है, चारों ओर पहाड़ों से घिरा हुआ है दोस्तों। और यहाँ पर बड़े बड़े खूबसूरत पेड़ भी हैं, और यहाँ पर अभी हम लोग बैठ रहे हैं फिलहाल। हाँ, शिव जी के मंदिर के जस्ट सामने ही बैठे हैं दोस्तों हम लोग अभी। तो अभी हम लोग पत्थर पे बैठे हैं, हवा चल रही है यहाँ पर, अभी नज़ारा है, बहुत ही आनंद आ रहा है, बहुत ही मज़ा आ रहा है हम लोगों को। तो गर्मी भी लग उगे हुए हैं, देख सकते हैं, आपको नज़दीक से दिखा रहा हूँ क्या है, आप कमेंट में ज़रूर बताएं। तो दोस्तों हम लोगों का रेस्ट हो चुका है, और अभी हम लोग बढ़ रहे हैं घर की ओर। वापिस जहाँ आए थे वापिस उसी रास्ते से घर की ओर बढ़ रहे हैं, देख सकते हैं पब्लिक, और लोकेशन आपको दिख रही होगी सामने, कितना पहाड़ी पर हरियाली भी है। ये देखिए दोस्तों बीच साइड, ये आ चुका सामने शिव जी का प्रवेश द्वार, जहाँ से हमने एंट्री की थी वहाँ से हम लोग एक्सिट कर रहे हैं अभी। अभी एक्सिट गेट आ चुका है, और ये अभी हम लोग मंदिर के बाहर आ चुके हैं। और यहाँ पर आपको बताया था मैंने आते वक्त भी और जाते वक्त भी बता रहा हूँ कि यहाँ पर स्टॉल लगे हुए हैं, ज़्यादा तो नहीं बट है थोड़े बहुत स्टॉल, शायद अभी सब लोग अपना स्टॉल को समेट रहे हैं क्योंकि लोगों का आना जाना भी थोड़ा कम हो गया है। ये गोगल्स वगैरह कैप वगैरह वैसे हमें ख़रीदी तो कुछ करना है नहीं फिलहाल, फिर भी आप लोगों को दिखा रहा हूँ स्टॉल, ये देख सकते हैं दोस्तों एकदम रोड पे आ चुके हैं जहाँ पर हमारी बाइक पार्क की हुई है। तो अभी और ये सामने का नज़ारे का आनंद लीजिए, तब तक भाई गाड़ी लेके आ रहा है, तब तक कैसी लगी लोकेशन आप कमेंट में ज़रूर बताएं दोस्तों। बाइक चला रहा है बाइक, और मैं बैठा हूँ पीछे की ओर, वही पीछे अपना जो मंदिर जा रहा है वो रास्ता पीछे छूट चुका है, अभी हम लोग आगे बढ़ चुके हैं घर की ओर। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन।